सो ही गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टूर्नामेंट सीरीज वीडियो नंबर 10 आई थिंक सो। और हमारी 9 वीडियोस पहले टूर्नामेंट पे आउट हो चुकी हैं। अगर आपने उनमें से एक वीडियो मिस की है और अगर आप टूर्नामेंट प्लेयर हो तो यार बेशक आप उनको जाकर प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी कुछ वीडियो देख सकते हो, थोड़ी बहुत वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लेलिस्ट पे जाकर देखो अगर आप टूर्नामेंट खेलते हो फ्री फायर में, क्योंकि बहुत ही कमाल की वीडियोस है और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनसे। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस सपोर्टर का रोल क्या होता है। बेसिकली सपोर्टर के बहुत सारे रोल्स और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि वो प्ले करते हैं पूरे टूर्नामेंट में, इंटायर गेम प्ले में। तो वो क्या क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप टूर्नामेंट प्लेयर हो तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको मेरे को पता है कुछ पॉइंट्स अगर आप सपोर्टर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और अगर टूर्नामेंट खेलते भी हो मेंबर भी अपने स्क्वाड का तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको हेल्पफुल मतलब होंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार 1500 का सब्सक्राइबर बहुत करीब है, 1500-2000 के तो कर देना यार। ओके तो स्टार्ट करते हैं। गाइस पहली बात तो आप ये जान लो कि सपोर्टर होता क्या है। गाइस सपोर्टर के रोल तो बहुत सारे होते हैं, मतलब सपोर्टर ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आपको हर एक सिचुएशन में हेल्प कर सकता है, जो ना रशर कर सकता है, ना फ्लैंकर कर सकता है, और ना ही फ्रैगर या फ्लैंकर जो भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। असॉल्टर भी नहीं कर सकता है जितना यार ये सपोर्टर करता है। गाइस सपोर्टर नाम सबको लगता ही होगा कि एक बंदा जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। अब वो बेसिक किसी भी चीज़ों में ले लो, आप कोई काम कर रहे हो घर पर, अपने काम कर रहे हो, आपका छोटा भाई बहन कोई भी सपोर्ट कर रहा है आपको, तो उसको बेशक आप उसको सपोर्टर बोल सकते हो। कहने का मतलब उसको आप एक तरीके से सपोर्टर बोल सकते हो कि हाँ मेरी हेल्प हो रही है और मेरा काम चल रहा है, तो मैं उसको सपोर्टर बोल सकता हूँ, उसने मेरी सपोर्ट किया, मतलब इसने मेरी हेल्प की और मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो इसको बोलते हैं सपोर्टर। बेसिकली आपको नाम ही से पता चल गया होगा सपोर्टर क्या होता है। अब देखो गाइस परफॉर्मिंग फंक्शंस बहुत सारे डिफरेंट होते हैं सपोर्टर के। तो पहली बात तो आप ये जान लो कि मेन फंक्शन सपोर्टर का क्या होता है। देखो कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए आपकी स्क्वाड जहाँ पर मर रही हो, तो वहाँ पर सपोर्टर के पास एक रोल होता है, सॉरी एक नहीं बहुत सारे रोल होते हैं प्ले करने के, और अगर वो रोल अपने हिसाब से मतलब एकदम अच्छे से रोल प्ले कर पाता है तो शायद आपको बचा सकता है वो। अब गाइस वो कैसे होता है ये मैं ऐसे ही हवा में ज्ञान पीलने नहीं आ गया हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ, और बेशक आपको अच्छा लगेगा आई थिंक सो, क्योंकि यार थोड़ी भी एक्सपीरियंस की भी कोई चीज़ होती है, नाम की कोई चीज़ होती है वही है। तो क्या होता है कि अगर पूरी स्क्वाड आपकी स्क्वाड के ऊपर रस कर रही है, तो अगर आपका सपोर्टर है, गाइस सपोर्टर क्या होता है बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, सपोर्टर क्या करता है, आपका अगर कोई भी एक दो बंदे डाउन हो गए उनको कवर देगा, उनको रिवाइव करेगा, ठीक है सडन रिवाइव करेगा, वो हो गया सपोर्टर। और आपका जो रशर होगा वो रश करके फाइट कर रहा होगा उस टाइम, असॉल्टर असॉल्टिंग कर रहा होगा, और आपका जो एक बजा सपोर्टर और एक बजा आपका फ्लैंकर, ये दोनों बंदे अगर अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि अपने आप रशर के साथ रश कर रहे हैं, इनकेस अगर कोई डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर सपोर्टर का काम यही होता है कि उसको तुरंत सडन रिवाइव करना। अब देखो गाइस सपोर्टर का एक और काम होता है, क्या होता है कि सपोज कर लो आपके पास दो स्क्वाड आ गई, मिनिमम आपके आप मतलब आपको मिला के 3 स्क्वाड हो गई, ठीक है, वहाँ पर फाइट हो रही है, अभी 2 स्क्वाड की फाइट हो रही थी, आपकी स्क्वाड गलती चली गई, या फिर कोई तीसरी स्क्वाड आपके पास आ गई जहाँ आप फाइट कर रहे थे, तो आपको वहाँ पर मेन रोल जो पहला एकदम पहला रोल है वो किसको प्ले करना है। गाइस क्या होता है सपोर्टर के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपको कवर करने के लिए। अगर गाइस क्या होता है टूर्नामेंट में लोग स्मोक ग्रेनेड्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कि छोड़ देते हैं बैग में जगह नहीं है, लेकिन बहुत ही एकदम नेगेटिव पॉइंट होता है आपके लिए अगर आप ये सब करते हो, तो आपकी स्क्वाड अच्छी स्क्वाड ने सब नहीं करती हैं, अच्छी स्क्वाड भी कहीं ना कहीं गलती कर देती हैं, बट हाँ उनको नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि अगर आपके पास स्मोक ग्रेनेड है और आपके पास 2-3 बंदे आ गए, गाइस यहाँ पर अगर सपोर्टर ने 2-3 स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए, तो वहाँ पर आपकी पूरी की पूरी स्क्वाड बच सकती है। वो कैसे बच सकती है आपको बताता हूँ, सपोज कर लो आपकी फाइट हो रही थी, ठीक है, आपका एक दो बंदा डाउन हो गया, बाद में आपने एक स्क्वाड को निपटा के रिवाइव कर दिया, लेकिन आपकी हील बहुत कम है, कहने का मतलब कि हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और तीसरी स्क्वाड ने आपको रश कर दिया, अभी क्या होगा वहाँ पर 2-3 बंदे आपके नॉक हो जाएंगे और बचेगा अकेला बंदा, सपोज कर लो 2 बंदे बच गए, 2 बंदे नॉक हो गए, फिनिश नहीं हुए, 2 बंदे नॉक हो गए, अभी देखो क्या करना है। अभी अगर 2 बंदे नॉक हो चुके हैं, तो गाइस अगर वो सपोर्टर उस टाइम आपके कवर के लिए फ्लैशबैक फेंकता है या फिर अपना ये स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, वहाँ पर स्मोक हो जाएगी। अब देखो यार जो फेंकेगा या फिर जो फ्लैशबैंग मारेगा, ठीक है, पूरा एकदम फ्लैश व्हाइट कलर का सामने आ जाएगा। अब देखो उसको तो दिखेगा ना कि हमारे टीममेट कहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि वो नॉक का जो साइड में यार क्या मीटर का वो ऑप्शन आता है ना कि इतने मीटर फार अवे आपका एनिमी है, तो वहाँ पर जाकर रिवाइव कर सकता है। अभी देखो अगर आपने इनको कर दिया, मतलब कहने का मतलब आपने उनको अंधा तो कर दिया, उनको फिनिश तो किया नहीं है, ना आपने उनको डाउन किया है, अभी वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सपोर्टर ने ऐसा कर दिया है तो वहाँ पर जो आपका असॉल्टर होता है, असॉल्टर अगर डाउन पड़ा हुआ है
है, कोई भी आपके बंदे ले लो, आपके कोई भी टीममेट ले लो, अगर वो अभी एक्टिव है इस टाइम, मतलब डाउन नहीं है एक्टिव है, या फिर एक्टिव भी नहीं है समझ लो डाउन है, तो अगर बंदे के पास गाइस ग्रेनेड या फिर वो लैंडमाइंस वगैरह हैं तो वहाँ पर आप उसका इस्तेमाल मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप छोटे छोटे वेपन्स का इस्तेमाल करते हो, छोटा डैमेज भी देते हो तो बहुत होता है। अगर तुम ग्रेनेड और फ्लैश बैंग फेंकोगे तो भाई कहाँ कहाँ तक बंदे भागेंगे, कम से कम एक दो बंदा तो नॉक निकलेगा। मैं चैलेंज मतलब पूरा चैलेंज देता हूँ, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है वहाँ पर रोल प्ले कुछ इसका, ऐसा मतलब रोल प्ले वहाँ पर होता है पर्टिकुलर एरिया में। अगर वो बंदा अच्छे से अपना रोल प्ले कर ले जाता है तो समझ लो क्लासिक बरमूडा में रिवाइवल पॉइंट जैसा कुछ हो गया, एक बार मरने के बाद भी दोबारा जिंदा हो जाओ, बस वही फीलिंग आएगी एकदम सेम वाली। गाइस एज यू ऑल नो सपोर्टर इज द मोस्ट अंडररेटेड रोल इन द टीम, ओके। बहुत ही ज्यादा एकदम क्रिटिकल कंडीशन में कुछ ऐसा रोल प्ले किया जाता है सपोर्टर के द्वारा। अब समझ लो गाइस ये एकदम क्रूशियल मोमेंट होता है जहाँ पर मतलब जो एकदम बहुत अलग तरीके का फंक्शन होता है इसका, रोल होता है सपोर्टर का। अगर आपका असॉल्टर भी अपना रोल प्ले करने में बिजी है और यहाँ पर सपोर्टर है, ये बंदे के ऊपर रश कर रहा है, रश क्या करता है, सपोर्ट करता है, आप अगर रश कर रहे हो तो वो बंदे को मारेगा, वो क्या करेगा, मारेगा, जब मारेगा तो डैमेज पड़ेगा, जब डैमेज पड़ेगा तो आपकी हेल्थ होगी, आपकी हेल्प होगी, रशर की हेल्प होगी बंदे नॉक निकालने की और फिनिश करने की। और अगर गाइस क्या होता है कि बंदा दूर चलाता है तो इसका रोल भी एक असॉल्टर की तरह हो जाता है, असॉल्टर क्या करता है दूर से असॉल्टिंग करता है, ठीक है। फ्लैंकर का भी यही रोल होता है कि फ्लैंकर दूर से जाकर बंदों को मारता है ताकि बंदों को भनक ना लगे, उसे बोलते हैं फ्लैंकिंग। और यहाँ पर अभी जब सपोर्टर कुछ ऐसा करेगा कि अपना राइट लेफ्ट जाकर बंदों को मारेगा तो उसका भी रोल एक असॉल्टर या फिर फ्लैंकर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत एकदम टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इससे, और आपकी टीम सक्सेस भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है अगर आप एकदम अपना कोऑर्डिनेशन बना के चलते हो तो। गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके रोल जो होते हैं वो आपको एकदम अच्छी तरीके से चूज करना है। अभी मेरे को बहुत सारे बंदे पूछते हैं यार, दोस्त लोग पूछते हैं, भाई लोग अपने पूछते हैं सब्सक्राइबर की यार हमारा रोल मतलब कौन सा रोल मेरे ऊपर सबसे बेस्ट रहेगा। गाइस देखो, आप अगर प्रैक्टिस करो, अगर आप एक रोल लेके चल रहे हो रशर का, आप उसको करना चाहते हो बट कर नहीं पाते हो, तो बेशक आप कर सकते हो यार, समझ रहे हो ना, आप प्रैक्टिस करो यार अपनी टीम के साथ जाकर। देखो गाइस, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना, ये समझ लो मैथ है, समझ लो ना गाइस, ये एक आप टूर्नामेंट को मैथ जैसा समझ लो, ये पढ़ाई लिखाई मत छोड़ देना, टूर्नामेंट के चक्कर है, पढ़ाई भी करते रहना यार, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनते चले जाओगे, तो वही आपका इसमें यहाँ पर वो रोल प्ले होगा कि जितना मतलब प्रैक्टिस करो उतना यहाँ परफेक्ट बनते चले जाओ। और जिस रोल में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, बहुत ही ज़्यादा एकदम अपना अलग ही लेवल का स्वैग दिखा रहे हो जिस रोल में, तो गाइस वो रोल अपना ऑक्यूपाई कर लो और वो अपना एक तरीके का टीम में रोल बना लो कि हाँ मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, और बाकी के तीन बंदे अपना अलग अलग रोल देख लो, जिसको जो अच्छा लगे वो कर ले। हाँ तो गाइस ये वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि सपोर्टर का रोल क्या होता है, तो बेशक आप समझ गए होगे, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि बहुत जल्दी बोल देता हूँ कभी कभी, बट जो पॉइंट्स होते हैं ना वो पॉइंट्स बहुत ही एकदम गजब लेवल के होते हैं जो मैं बोलता हूँ, मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ यार। अच्छा, जिसको ऑल इन वन बोलते हैं, मतलब जिनका सारा का रोल एक में होता है, बस उसी को आप बोलते हैं सपोर्टर, शॉर्ट फॉर्म में इलेबरेट करके एकदम शॉर्ट समराइज करके समझ लो, तो यही निकल के आता है इसका मीनिंग कि सारे प्लेयर्स के जो रोल होते हैं, सारे प्लेयर्स का रोल मिला के एक सपोर्टर बनता है। ये सपोर्टर बहुत ही खतरनाक होता है गाइस, रश भी कर सकता है, फ्लैंक भी कर सकता है, असॉल्टिंग भी कर सकता है। आपको तो मैंने बता ही दिया गाइस कि असॉल्टिंग फ्लैंकिंग तो सपोर्ट करते वक्त अपने आप हो ही जाती है, बट रश करने की एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आती है जहाँ पर बंदे डाउन होते हैं फिर बंदा रश करता है, ये वरना ऐसी कोई बात नहीं है, ये दूर से सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है गाइस, बहुत तेल पाल के बंदे मारता है। तो आज के वीडियो में मेरे को बस इतना ही बोलना था, थोड़ी सी भी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने एंड तक देखी है तो यूट्यूब हमारी वीडियो को रिकमेंड करेगा, आप अगर ने देखी है आपने एंड तक, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ एंड तक दोबारा देख लेना, ठीक है, काट काट के देखिए। तो आज के वीडियो में मेरे को इतना ही बोलना था, तो गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में गाइस, टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।